नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारतीय इतिहास में ऐसे कई प्राचीन इमारतें आज भी देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जहां कई ऐसे सूफी संत फकीरों की कहानियां सुनने को मिलती रहती हैं। चाहे वह हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म, यह मुल्क सभी धर्मों से मिला जुला एक खूबसूरत गुलिस्ता है, जहाँ सूफी संत फकीरों ने इस मुल्क को खूबसूरत रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय इतिहास के पन्नों में कई ऐसे सूफी संत फकीरों की ऐसी कई कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जहां कानपुर देहात में सैकड़ों वर्ष पुरानी एक प्राचीन दरगाह है, जहां सैकड़ों भक्त बाबा की दरगाह में फरियाद लेकर आते हैं। और इस सैकड़ों वर्ष पुराना प्राचीन ऐतिहासिक गुंबद आसमान की ऊंचाई को चूम रहा है, जहाँ दरगाह में मौजूद ऐतिहासिक दस्तावेजों में बताया गया है कि हिंदुस्तान के बादशाह अकबर के करीबी ईरान मुल्क निवासी वजीर मूसा खान ने इस प्राचीन गुंबद का निर्माण करवाया था। दरगाह में मौजूद ऐतिहासिक पन्नों में बताया गया है कि बादशाह अकबर के वजीर मूसा खान के नाम से मूसा नगर एक नगर बसाया गया था, जो आज कानपुर देहात की सरजमी पर स्थित है, जिसे आज मूसा नगर कहा जाता है। आज एक ऐसी सत्य घटना की स्टोरी से हम आपको रूबरू कराते हैं, जहां मूसा नगर कस्बे में 835 हिजरी लगभग खामोश बाबा की मजार बियाबान जंगल में मौजूद है, जहां आज मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों भक्त बाबा की दरगाह में मत्था टेकने आते हैं और अपने मन की मुरादें पूरी करते हैं। आपको बता दें, जानकारी मिलने पर मीडिया टीम ने जब इस प्राचीन दरगाह के विषय में दरगाह के सेवा करने वाले सेवादारों से बात की, तो उनके द्वारा दरगाह में मौजूद प्राचीन सिजरा दस्तावेज देते हुए बताया गया कि 835 हिजरी लगभग 700 वर्ष पूर्व बादशाह अकबर के करीबी वजीर मूसा खान, जो ईरान मुल्क के रहने वाले थे और बाबा के दीवाने थे, उनके द्वारा ईरान मुल्क के कारीगरों द्वारा इस प्राचीन दरगाह के गुंबद में बारीक नक्काशी करवाते हुए निर्माण करवाया गया था, जो आज भी आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं कस्बे में स्थित प्राचीन मोहम्मद इब्राहिम और खामोश बाबा की दरगाह की कई ऐसी चमत्कारी घटनाओं को लेकर क्षेत्रीय लोगों द्वारा बताया गया कि जिसके चलते मुस्लिम समुदाय के लोगों के दिलों में मोहम्मद इब्राहिम और खामोश बाबा को लेकर प्यार बढ़ता गया, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा हर वर्ष ईद की चांद की 26-27 तारीख को उर्स का कार्यक्रम होता है। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद इब्राहिम खामोश बाबा की कहानी दरगाह के सेवादारों की जबानी, सिर्फ इंडियन प्राइम न्यूज पर चंद बहादुर सिंह के साथ। यहाँ लगभग बहुत से मुगल बादशाह आए, यहाँ पर मत्था टेका और मुरादे मांगी और उनको फायदा मिला। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी भाई मिलके एकता से इनका जश्न और जो उर्स है मनाते हैं और आते हैं जाते हैं, अपनी मन की मुरादे पाते हैं। ये मुकद्दस मज़ारात है, यहाँ पर दिल से मांगी हुई हर दुआ कबूल होती है। मेरा अकीदा है, क्योंकि हमने कई बार मुरादें मांगी जो पूरी हुई हैं। ये जिस्म और शरीर जो विकलांग बैठा हुआ है, कभी चलने के लायक नहीं था, इन्हीं के करम से आज चल फिर रहा है जी। और मूसा नगर फतेहपुर पर इनका हमेशा साया और करम बना रहता है। यहाँ सभी लोग आने वाले ज़ायरीन फैज़याब हुआ करते हैं और इनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। ये न्यूज़ के ज़रिए जो आज आप तक हमारी बात पहुँच रही है, और इनके करम से इनको और कामयाबी और तरक्की मिले और हमारे हिंदुस्तान का नाम करें ये, और हमारे मुल्क में अमन अमान रहे, सारे भाई हिंदू मुस्लिम मिलके एकता से रहें। नगरी एक ऐसे कस्बे में आ चुके हैं जिसका नाम है मूसा नगर की सरजमी पर, जहां पर एक मोहम्मद इब्राहिम खामोश बाबा की एक ऐतिहासिक प्राचीन इमारत है। इसको लेकर यहां के लोगों से हम बात करेंगे, यहां पर क्या आस्था है। यहां के बात बता दें कि यहां पर कई ऐसे लोग हैं जो यहां पर डेली बाबा के दरबार में आते हैं, और यहां के इतिहास के पन्नों की अगर बात की जाए तो इतिहास इनका क्या कहलाया जाता है, कहां के रहने वाले थे और कहां पे आए हुए थे, और इनका पूरा जीवन परिचय के विषय में हम जानेंगे यहां पर। एक सिजरा बाबा के पास है, जो सिजरे के आधार पर वो उर्दू से लिखा हुआ है। उर्दू का ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक उर्दू के जानकार है, उनसे बात करेंगे। उस सिजरे में उर्दू से क्या क्या लिखा है, बाबा कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के निवासी थे। और ये गुम्मत को आप देख सकते हैं, ये गुम्मत है प्राचीन जो कई वर्षों पुराना है, और ये किस चीज़ से बनाया गया था, इसके विषय में उनसे बात करेंगे। उर्दू के जानकार है और वो हमारे बीच मौजूद है, उनका नाम जानेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं।
तो आपका नाम क्या है और कहाँ रहने वाले हैं? नूर मोहम्मद नाम है, मूसा नगर के ही रहने वाला हूँ। अच्छा, ये जो मोहम्मद इब्राहिम खामोश बाबा की मज़ार है, इसमें एक सिजरा आपके पास भी है, तो क्या पूरा कहानी है कि बाबा कहाँ रहने वाले थे और ये मोहम्मद के निर्माण कैसे हुआ और किस व्यक्ति ने इसका निर्माण करवाया था? इनके मुख्तसर जो सजरा यहाँ पर लगा हुआ है तो उसमें ये है कि आपका नाम है, आपका इस्म गिरामी मोहम्मद इब्राहिम उर्फ खामोश शाह रहमतुल्लाह अलैह है। आप मुल्क अरब से 835 हिजरी में हिंदुस्तान तशरीफ लाए। लाने के बाद जब आप मूसा नगर में आए तो यहाँ पर आपने अपने हाथों से खुद गारा बनाते थे और गारा बना के आपने एक झोपड़ी बनाई और वो झोपड़ी को आप दिन में बनाते थे, उसके बाद रात में बिगाड़ देते थे। तो कुछ लोगों ने आपसे पूछा कि बाबा आप ये क्या करते हैं, तो आपने कहा इसी तरीके से ये मूसा नगर आबाद होगा और बर्बाद होगा। इसके बाद यहाँ पर बादशाह अकबर के एक बहुत ही करीबी वज़ीर जिनका नाम था मूसे खां, तो वो बाबा से बहुत ही अकीदत व मोहब्बत रखते थे। जब वो आप तशरीफ़ लाए तो बाबा से आपने कहा कि बाबा अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ शहर आबाद करना चाहता हूँ। तो बाबा ने कहा ठीक है आप करिए। तो आपने कहा कि यहाँ पर पानी और ईंटें दस्तयाब नहीं हैं, तो इसके लिए बाबा ने दुआ की और उन्होंने कहा कि आप जहाँ भी खोदेंगे छोटी बड़ी ईंट निकलेगी। इसी तरीके से यहाँ पे शहर की मूसा नगर के नाम से जो बुनियाद पड़ी। अच्छा, ये खामोश बाबा थी वो कहाँ से आए थे? वो ये अरब से तशरीफ़ लाए। कितने वर्ष पुराने लोग आए थे? ये तकरीबन जो इसमें लिखा हुआ है 835 हिजरी में, इस वक्त चला है 1442 हिजरी, 600 साल से पुराना मज़ार बना, 600 वर्ष के और पुरानी है और ज़्यादा है जी। तो मूसे खाने से शहर की आबाद मतलब बुनियाद डाली और ये मूसा नगर आबाद हुआ। तो आप कहने मतलब ये है कि मूसा खान नाम कोई के ईरान के सपा सलाहकार थे करीबी, तो जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने इसको आबाद करवाया, मूसा नगर की बुनियाद रखी और बाबा ने अपनी मज़ार खुद बनवाई थी और उसके मज़ार के बनवाने के बाद आप उसी में लेट गए। लेटने के बाद जब लोगों ने कहा बाबा आप निकल आइए, तो आपने कहा जो एक बार लेट जाता है फिर दोबारा नहीं निकलता है, वो उसको बंद करवा दिया गया। तो आप तो क्या आस्था है यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं जी, दर्शनार्थी आते हैं बाबा को लेकर, क्या यहाँ पर सैकड़ों लोग आते हैं, यहाँ पर मुरादे मांगते हैं और जो मांगते हैं बाबा की दुआओं से पूरा होता है। अच्छा, क्या यहाँ पे उर्स का हर वर्ष क्या? हर साल उर्स होता है ईद के चांद की 26 और 27 तारीख को। तो देख सकते हैं किस तरीके से कि यहाँ पर जो इन्होंने भाई साहब ने जो भी बोला हुआ वो उर्दू के लेख में था और उर्दू के लेख के जानकार भी हैं। उन्होंने पूरा एक बाबा के जो कागजात हैं उसके आधार पर बताया है बाबा कहाँ रहने वाले थे। और इसको लेकर बात करेंगे यहाँ के एक हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो हमारे पास खड़े हुए हैं कि यहाँ पे सेवादार करते हैं, बाबा की देखभाल करते हैं, इनसे भी इनका परिचय जानेंगे कहाँ रहने वाले हैं और कितने वर्षों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? तुन्नी साहब जी। तो बाबा जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? बाबा जी के विषय में ये है कि जो हमें जानकारी है हमारे बुजुर्गों द्वारा बुद्धू साहे खादिम भाई हमारे को ये बताते रहे कि अरब से आए हुए थे, अरब से आए हुए थे और उन्हीं ने जो है जो गाँव बसाया खामोश साहब बाबा ने और ये मज़ार जो है उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बनवाया था और उसके बाद में उन्होंने पर्दा किया है। तो देख सकते हैं कि ये एक प्राचीन एक ऐसी इमारत है और बाबा का नाम है मोहम्मद इब्राहिम खामोश शाह बाबा। ये मूसा नगर खाले शहर में स्थित है। मैं अपने चैनल के माध्यम सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि वो इस बाबा के दरगाह पे आएँ और मत्था टेकें और हर तरीके की अपनी समस्याओं को लेकर बाबा से शेयर भी करें। और भी आप हम अपने कैमरामैन साथी से कहना चाहेंगे ये फिर एक बार गगनचुंबी इमारत को दिखवाएं जो बताया जाता है मूसा खान नाम के एक ऐसे व्यक्ति थे जो बादशाह अकबर के करीबी थे और उनको बाबा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। ये बताया जा रहा है जो कागजी लेख उनके पास हैं उर्दू में लेख थे, मैंने वो भी सुनवा दिया है। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा ये बाबा के दरगाह जाने के लिए 8 सीढ़ी हैं, ये जन्नत का दरवाज़ा है और बहुत ही जल्द मैं अपने कैमरा साथी से कहना चाहूँगा मेरे पीछे आते रहे और मैं बाबा के भी दर्शन कराऊंगा कि बाबा किस तरीके से यहाँ पर पर्दा किए हुए हैं और बाबा ये जिंदा वाली हैं और सब कुछ जानते हैं ये खामोश शाह बाबा मोहम्मद इब्राहिम। तो हम यहाँ पर थोड़ा उतारेंगे जूते और बाबा के दर्शन भी करवाएंगे और हम अपने कैमरा साथी कहेंगे मेरे पास आए। दोस्तों मैं पहली सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, ये पहली सीढ़ी 1 2 3 4 5 ये 6 ये 7 है और ये है जन्नत का दरवाज़ा, ये है 8वीं सीढ़ी।
मैं अपने दोस्त कैमरामैन साथी से कहना चाहूँगा मेरे पास आए और ये अंदर का खूबसूरत नज़ारा दिखाएं। यहाँ पर खामोश बाबा मोहम्मद इब्राहिम पर्दा किए हुए हैं और ये नज़ारा बहुत ही प्यारा है, खूबसूरत है। दोस्तों लगातार ये खूबसूरत नज़ारे को आप मेरे चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। ये एक प्राचीन इमारत है और ऊपर की भी नक्काशी दिखाएंगी, बहुत ही प्यारा सा एक बहुत ही अच्छा है। और ये फ्रंट में भी बाबा का जो यहाँ पे हैं उनको भी दिखाएं। तो इसी क्रम को लेकर हम और भी आगे इसकी कुछ खासियत को लेकर बात करेंगे। कानपुर देहात से कैमरामैन अश्विनी के साथ में जंग बहादुर सिंह की खास रिपोर्ट।